कौवे भाई, आजकल ना आपका दूध बहुत पतला आ रहा है, कहीं आपने दूध में मिलावट करना तो शुरू नहीं कर दिया ना? सारा दूध पानी की तरह पतला लगता है। अरे ओ बाबूजी, ये कालू कौवे का दूध है जो पूरे जंगल में मशहूर है। ये कालू कौवा अपनी गर्दन कटवा सकता है पर दूध में पानी नहीं मिला सकता। हाँ जानता हूँ, पर पिछले 2 दिनों से तुम्हारा दूध बहुत ही पतला आ रहा है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। झूठ बोले तेंदुआ काटे बाबूजी, वो क्या है ना, आजकल गाय कुछ ठीक से चारा नहीं खाती, इसी वजह से दूध आपको पतला लग रहा है। अच्छा अच्छा, अब मस्का मत लगाओ और 2 लीटर दूध दे दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56x4 कितने होते हैं। कालू कौवा अपनी दूध की बाल्टी से तोताराम को दूध दे देता है और दूध देने जंगल के बाकी पक्षियों के घोंसले में चला जाता है। कालू कौवा उस जंगल का एकमात्र ऐसा पक्षी था जो अकेले ही पूरे जंगल में दूध बेचता था। कालू कौवे का दूध इतना मशहूर था कि जंगल का हर पक्षी उसी से दूध लेता था। शाम होते होते कालू कौवा पूरे जंगल में दूध बेचकर अपने घोंसले में आता है। आप आ गए जी? हाँ जी आ गए हम। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन निकालने लगती है। इधर कालू कौवा अपनी गाय के पास आता है और उसे चारा डालता है। कालू कौवे के पास केवल एक ही गाय थी, फिर भी वो पूरे जंगल के पक्षी को दूध बेचता था। अब गाय से तो इतना दूध निकलना तो असंभव था। मेरी प्यारी गाय, आखिरकार हम दोनों मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को बेवकूफ बना ही रहे हैं। मैं तुम्हारे दूध में जो पानी मिलाता हूँ उसके बारे में आज तक किसी पक्षी को पता नहीं चल पाया है। बस तुम हर रोज मुझे इसी तरह दूध देती रहना और मैं उस दूध में ढेर सारा पानी मिलाता रहूँगा। फिर देखना, एक दिन मैं इस जंगल का सबसे धनी पक्षी बन जाऊँगा। कालू कौवा बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। वो अकेले ही ऐसी साजिश रचे जा रहा था जिसके बारे में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को भी पता नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि बुराई और लालच पक्षी को अंधा बना देता है। यही हाल कुछ कालू कौवे का भी था। वो लालच में आकर अपने 7 लीटर दूध में रोज 5 लीटर पानी मिलाने लगा था। चलो गाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब हर रोज की तरह कल सवेरे भी 7 लीटर दूध दे देना ताकि इसमें मैं 5 लीटर पानी मिला सकूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सोने चला जाता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही कालू कौवा अपनी गाय का दूध धो लेता है। उसकी गाय आज भी रोज की तरह 7 लीटर दूध दे देती है। अरे कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे, मैं तुरंत ही इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता हूँ। कालू कौवा 7 लीटर दूध में जल्दी से 5 लीटर पानी मिला देता है। आज उसकी गाय ने इतना गाढ़ा दूध दिया कि 5 लीटर पानी मिलाने के बाद भी दूध में गाढ़ापन ही नजर आ रहा था। अरे ये दूध तो अभी भी गाढ़ा दिख रहा है, लगता है आज गाय ने कुछ ज्यादा ही गाढ़ा दूध दिया है। चलो अच्छा ही है, मैं इस दूध में और 3 लीटर पानी मिला देता हूँ ताकि मेरा दूध और ज्यादा हो जाए। अपने दूध के गाढ़ेपन को देखकर लालची कालू कौवे के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो 3 लीटर पानी और लाता है और उसे दूध में मिलाने लगता है। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घोंसले से कालू कौवे को दूध में पानी मिलाता देख लेती है और वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आती है। सुनते हो जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप दूध में पानी मिला रहे हो? अपनी पत्नी को देख कालू कौवा एकदम से घबरा जाता है। अरे बाप रे, लगता है इस टुनटुनी ने मुझे दूध में पानी मिलाते देख लिया है, अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने दूध में पानी क्यों मिलाया है? अरे टुनटुनी धीरे बात करो, कहीं किसी पक्षी ने बात सुन लिया ना तो कोई भी जंगल का पक्षी मुझसे दूध नहीं लेगा। आप इस जंगल के सारे पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। दूध में पानी मिलाना अच्छी बात नहीं है, आप पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन्हें झूठ बोलकर ये पानी वाला दूध बेच रहे हो। अरे बेवकूफ,
अगर मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया तो हम पूरे जंगल में पक्षियों को कैसे दूध बेचेंगे। ये गाय तो केवल 8 पक्षियों के हिसाब से दूध देती है, और जब मैं इस दूध में पानी मिलाता हूँ तब मैं जाकर 30 पक्षियों को ही दूध बेच पाता हूँ। सोचो अब इतने दूध में पानी मिलाने से कितना मुनाफा होता है। आप कुछ भी कहो जी, पर इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। आप ये लालच करना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन हम दोनों के लिए इस लालच का बहुत बुरा अंजाम होगा। टंटनी, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और मेरे इस काम से तुम दूर ही रहो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। इतना कहकर कालू कौआ वो दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल में चला जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। कालू कौआ बबली कबूतरी के घोंसले में आता है। दूध ले लो बबली बहन। हाँ आ रही हूँ, 2 लीटर दूध दे दो कौवे भाई। कालू कौआ बबली कबूतरी को 2 लीटर दूध दे देता है। अरे कौवे भाई, आज तो आपने बहुत ही पतला दूध दिया है, ये तो दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। अरे कबूतरी बहन, वो क्या है ना, मेरी गाय कुछ दिनों से बहुत बीमार है। आप चिंता ना करिए, कल से आपको एकदम गाढ़ा दूध मिलेगा। कौवे भाई, बहुत दिनों से आपका दूध बहुत पतला आ रहा है, कल से मुझे गाढ़ा दूध चाहिए। बिल्कुल बबली बहन, आप चिंता ना करो। इतना कहकर वो कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कालू कौआ पूरे जंगल के पक्षियों को दूध बेच देता है। जंगल का हर पक्षी कालू कौए से आज वही बात कहता है जो बबली कबूतरी ने कही थी। पर कालू कौए ने सबको एक ही बात कही कि कल से वो गाढ़ा दूध देगा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौआ रोज पानी मिलावट वाला दूध पक्षियों को बेचता रहा और उन्हें हर रोज एक ही बात कहता रहा कि वो कल से उन्हें गाढ़ा वाला दूध देगा। पर इस बार काफी सारे पक्षी कालू कौए से दूध लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि कालू कौआ हर रोज उन्हें पानी वाला दूध देने लगा था। अब कुछ ही पक्षी कालू कौए से दूध लेने लगे, पर उन्होंने भी उस कालू कौए को वार्निंग दे रखी थी कि वो उन्हें कल से गाढ़ा वाला दूध ला कर दे। कालू कौए का इस बार आधा ही दूध बिक पाया था। कालू कौआ निराश होकर आधा दूध वापस लिए अपने घोंसले में आता है। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों लग रही हो? क्या बताऊं टुनटुनी, इस जंगल का हर पक्षी मुझसे दूध लेता था, पर अब तो हर पक्षी ने मुझसे दूध लेना ही बंद कर दिया है। वो सब कहते हैं कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। अब जो पक्षी बचे हैं उन्होंने भी मुझे वार्निंग दे रखी है कि अगर कल से गाढ़ा दूध नहीं मिला तो वो मुझसे दूध लेना बंद कर देंगे। जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि लालच बुरी बला है, अभी भी मौका है, ये दूध में पानी मिलाना बंद कर दो। और जो बच्चे कुछ पक्षी तुमसे दूध ले रहे हैं उन्हें बिना पानी का दूध दो, इसी में हमारी भलाई है। तुम सही कहते हो टुनटुनी, अब से मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा ना लालच करूंगा। दोनों अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कालू कौआ बिना पानी मिलाए दूध बेचने चला जाता है और कम दूध बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ अपने खेत में आम की खेती करता था। आम बेचकर उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, अरे ओ पिंकी के बापू, मैं सोच रही थी इस बार नए साल भी अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर घुमाने चलते हैं। हाँ पिताजी, मेरी सारी सहेलियाँ नए साल की पार्टी मनाने शहर जा रही हैं। आप भी हम लोगों को लेकर शहर चलिए ना। नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना, शहर में महामारी फिर से फैलने लगी है, ऐसे में पार्टी करना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम लोग इस साल घर में रहकर ही नया साल मना लेना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 56 x 6 कितने होते हैं।
कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कालू जब अपने खेत पर आम को तोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो दुखी होकर घर लौटता है। उसे दुखी देखकर उसकी बेटी पूछती है, क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। आज आप हमारे लिए मिठाइयाँ भी नहीं लाए। हाँ जी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई? पहले कभी आपको इतना उदास और दुखी नहीं देखा। क्या बताऊं पिंकी की माँ, पता नहीं कैसे सारी फसल एक ही रात में बर्बाद हो गई। अगर मैं फसल को बाजार में नहीं बेचूंगा तो पैसे घर कैसे आएंगे? मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए साल का तोहफा ला कर दूंगा। आप चिंता क्यों करते हो जी, हम कल ही अपने खेत में जाकर सारे खराब पेड़ों को हटाकर उसकी जगह नए आम के पेड़ को लगाएंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वो उपहार के लिए जिद नहीं करेंगे। अगले दिन कालू और टुनटुनी खेत पर जाकर खेत से सारे खराब पौधे उखाड़ रहे थे, तभी उन्हें पौधों के बीच में एक पक्षी कराहता हुआ मिला। अजी सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ, ये देखो यहाँ एक पक्षी घायल पड़ा है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है। कालू और टुनटुनी दोनों उस पक्षी की देखभाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी की हालत में कुछ सुधार होता है और वो पक्षी एक परी में बदल जाती है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपके खेत में गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे घायल कर दिया। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो पता नहीं मैं कब तक यहाँ पड़ी रहती और मेरी मौत हो जाती। मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढने के लिए आपका सारा आम का बगीचा बर्बाद कर दिया। आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये लीजिए, मैं आपको आम के कुछ जादुई बीज दे रही हूँ, जिसे अपने खेत में डाल देना। टुनटुनी को बीज देकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों पति पत्नी आम के बीज को अपने खेत में डाल देते हैं। अगले ही दिन उनके खेत में आम के पेड़ों पर सोने के आम आ जाते हैं, जिसे देखकर कालू और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं। कालू आमों को सुनार को बेचने के लिए चला जाता है। इस तरह जादुई आमों की खेती करके कालू का पूरा परिवार खुशी खुशी नया साल मनाता है। सुंदरवन जंगल में कड़कनाथ नाम का एक कौवा रहता था। किसी बीमारी की वजह से जिंदगी के आखिरी वक्त से गुजर रहा था। कड़कनाथ अपने खानदान का अकेला कौवा है, जिसके घर में दो नौकर हैं, टुनटुनी और बंटी कबूतर। कड़कनाथ सेठ को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जंगल के पक्षियों से बेमानी कर जो पैसे कमाए हैं वो उसके काम नहीं आए। मरने के बाद उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों के हाथ लग जाएगी, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं था। कड़कनाथ सेठ की आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये दौलत उसके रूह की आज़ादी की वजह बने। इसके लिए कड़कनाथ सेठ टुनटुनी और बंटी कबूतर को बुलाता है और उनसे कहता है, बंटी कबूतर, टुनटुनी, तुम दोनों मेरे वफादार नौकर हो। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी चंद रुपयों की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मालिक, आप सेहत याब रहिए, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मैं अपनी दौलत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं मालिक। आज दिन भर तुम दोनों अपनी अपनी समझ के मुताबिक भलाई और नेकी का काम करो और शाम को आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी बेहतर लगेगी मैं अपनी जायदाद उसके नाम करूँगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ की बात सुनकर हैरान होते हैं और दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो कड़कनाथ सेठ को पसंद आ जाए। अगले रोज सुबह होते ही टुनटुनी और बंटी कबूतर नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। टुनटुनी अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बंटी कबूतर के दिल में दौलत हासिल करने के लालच ने उसे नेकी के कई काम सुझा दिए हैं। बंटी कबूतर सबसे पहले मंदिर में चंदा देता है, मंदिर के बाहर बैठे गरीब पक्षियों को भी रुपए पैसे से मदद करता है, अस्पताल में जाकर जख्मी पक्षियों को दवाइयाँ खरीद कर बांटता है, जंगल के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाता है। टुनटुनी ऐसे ही किसी नेक काम के लिए घर से निकलती है। उसे रास्ते में गाय मिलती है जो कचरे के साथ पॉलिथीन खा रही थी। अचानक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। टुनटुनी से फौरन जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाती है। उसके पेट से बहुत सारा पॉलिथीन निकलता है। इसके बाद गाय ठीक हो जाती है। हे भगवान, अब तो शाम हो गई। मैं कड़कनाथ सेठ से जाकर क्या कहूँगी? मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, बल्कि खुशी है कि मेरी कोशिश से गाय की जिंदगी बच गई।
टुनटुनी गाय को अस्पताल में छोड़कर कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। बंटी कबूतर भी कड़कनाथ सेठ के पास आता है और अपने पूरे दिन का काम कड़कनाथ कौए को बताता है। बंटी कबूतर अपनी नेकी के सभी कामों को एक एक करके गिनवाता है और टुनटुनी सिर्फ इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। टुनटुनी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। बंटी कबूतर और टुनटुनी, मैंने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी। बंटी कबूतर, तुमने दिन के 8 घंटों में 800 भलाई के काम किए हैं। शुक्रिया मालिक। टुनटुनी, तुम दिन भर में गाय के इलाज के अलावा और कुछ नहीं किया, तुम्हारे हिस्से में एक ही काम है। मालिक, मैं गाय की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी, मुझे आपकी जायदाद की बिल्कुल याद नहीं रही। टुनटुनी, तुमने मेरी जायदाद हासिल करने की फिक्र छोड़कर गाय की जान बचाई है, यह सबसे बड़ी नेकी और भलाई का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी जायदाद का सही इस्तेमाल करोगी और इससे मुझे सुकून मिलेगा। मालिक, आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा? बंटी कबूतर, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ दे कर जाऊंगा। मालिक, मुझे आपकी जायदाद की ख्वाहिश नहीं है, आप बंटी कबूतर को ही सब कुछ दे दीजिए। नहीं टुनटुनी, आज से तुम ही मेरी जायदाद की मालकिन हो, बस एक ही गुजारिश है तुमसे, मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करना। टुनटुनी कड़कनाथ को शुक्रिया अदा करके उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज करवाया है। टुनटुनी गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाती है। गाय अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये सड़कों पर फिरने वाली आवारा गाय हैं, इसलिए उस गाय को कड़कनाथ के घर लेकर आती है और गाय के साथ खुद भी वहीं रहने लगती है। टुनटुनी अब एक बेटी की तरह कड़कनाथ की खिदमत करने लगती है, वक्त पर दवाई और खाना पीना देती है, गाय का ताज़ा दूध पिलाती है। टुनटुनी, तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। टुनटुनी, आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। ठीक है अब्बू जान, जब तक आप पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाते मैं आराम नहीं करूंगी। टुनटुनी की खिदमत के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा और कुछ ही रोज में कड़कनाथ बीमारी को शिकस्त देकर सेहत याब हो जाता है। टुनटुनी बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरी पूरी तरह सेहत दुरुस्त है, यह तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं अब्बू जान, आपके दुरुस्त होने में दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी करिश्मा है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए जड़ी बूटी का काम किया है, बेजान जिस्म में जान डाल दी है। हाँ अब्बू, जब एक गाय करिश्मा कर सकती है तो हजारों लाखों गाय इस मुल्क को बदल सकती है। टुनटुनी, गाय हमारे लिए ऊपर वाले की नेमत है, आज से हम अपनी जिंदगी और दौलत गायों की खिदमत में लगाएंगे। कड़कनाथ सेठ और टुनटुनी मिलकर गाय की खिदमत को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। एक गांव के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टूनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी इस गांव में मेरा दम घुट रहा है, काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है कल ही कालू कौआ शहर से आया है, वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताज़ी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली, तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टुनटुनी, मैं कालू कौए से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौए के पास पहुँच कर टूनी कहती है, कालू मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टुनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुझे जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया बिना किसी को बताए कालू कौए के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गाँव आती है।
जब वो घर आती है उस समय टुनटुनी घर का काम कर रही थी। जब वो टोनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए आपको किससे मिलना है, इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। तब टोनी कहती है, अरे टुनटुनी तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं टोनी हूँ तेरी बड़ी बहन, देख मेरी ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही है, तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। और सुनो आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी तू मुझे देखकर जल रही है इसलिए ऐसा बोल रही है, मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टुनटुनी आप ज्यादा मत बोल, तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है, तू गांव की है और गंवार ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल, आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें, तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चुड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तूने इसे घर में क्यों आने दिया, ये हम लोगों के लिए मर चुकी है, अब तो मेरी बस एक ही बेटी है और वो तू है, अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना, ये जहाँ से आई है कह दे वही चली जाए। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टुनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तब वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी लगता है अब मैं नहीं बचूंगी, आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए, मैं अपने किए की माफ़ी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। कालू कौवा डाकिए के जरिए टुनी की खबर उसके घर वालों को देता है। टुनी की बीमारी की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टुनी अपनी बहन को देखती है तो उससे माफ़ी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी अब तुम सोचना बंद करो, मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है, अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो, मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टुनटुनी के मुंह से ये बातें सुनकर टुनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती हैं।